मध्य प्रदेश में भाजपा बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। जिला स्तर पर होने वाले इस आंदोलन से पहले ही बिजली को लेकर सियासत गर्म होती नजर आ रही है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कांग्रेस नेताओं ने पत्रकार वार्ता के जरिए भाजपा के दिग्गज नेताओं पर इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत सस्ती बिजली का लाभ लेने का दावा किया है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव विवेक खंडेलवाल का कहना है कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, विधायक आकाश विजयवर्गीय, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता और एमआईसी सदस्य सहित भाजपा के कई पार्षद कमलनाथ सरकार द्वारा लागू की गई इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ ले रहे हैं। यही नहीं, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय के घर पिछले 6 महीने से जीरो रेडिंग का बिल आ रहा है और वर्तमान बिल भी इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 40 रुपए सब्सिडी घटाकर सिर्फ 93 रुपए का बिल आया है। आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा एक तरफ आम जनता को गुमराह करने के लिए बिजली के बिलों की होली जलाने का दिखावा 4 नवंबर को करने वाली है, जबकि भाजपा के नेताओं और पदाधिकारियों द्वारा ही योजना का लाभ लेकर सस्ते बिजली के बिल जमा किए जा रहे हैं। सुनिए कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विवेक खंडेलवाल ने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आना आगामी 4 नवंबर को पूरे प्रदेश में बिजली के बिलों की होली जलाई जाएगी। उनका कहना है कि बिजली के बिल माफ़ नहीं हुए। मध्य प्रदेश शासन में कमलनाथ जी की सरकार आने के बाद इंदिरा गृह ज्योति योजना का लागू की गई, जिसमें मध्य प्रदेश सहित इंदौर जिले और इंदौर संभाग के करीब 30 लाख उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। जिसमें सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, उनके विधायक पुत्र आकाश विजयवर्गीय सहित पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, महेंद्र हाडिया, भारतीय जनता पार्टी के MIC मेंबर, पार्षद, पदाधिकारी सबको इस योजना का लाभ मिल रहा है। जिनके बिजली के बिल हजारों रुपए में उनकी सरकार में आते थे, आज कांग्रेस की सरकार आने के बाद इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ लेने के बाद उनके बिजली के बिल 97 रुपए, 97 रुपए, 98 रुपए बिल आ रहे हैं। उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हम 4 तारीख के बिजली के बिलों की होली जलाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव जी के निवास का बिजली का बिल विगत 6 महीने से 0 रीडिंग का आ रहा है। तो क्या कारण है, ऐसा क्या चमत्कार उन्होंने कर रखा है कि उनके मीटर का बिजली का बिल 0 रीडिंग का विगत 6 माह से आ रहा है? तो ऐसी जानकारी वो जनता के समक्ष पेश भी करें और बताएं भी कि उनके पास ऐसा कौन सा चमत्कार है, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि जो 0 रीडिंग का बिजली का बिल आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में कितना अंतर है। अगर उनको अगर उनको बिजली के बिलों की होली जलाना है तो वो सबसे पहले सब्सिडी छोड़ें, और 4 तारीख के दिन उनको बिजली के बिलों की होली जलाने की अपेक्षा उनको माननीय कमलनाथ जी के लिए धन्यवाद ज्ञापन प्रेषित करना चाहिए और मिठाई बांटना चाहिए कि आज जो उनकी सरकार नहीं कर पाई, आज कमलनाथ जी ने वो काम करके दिखाया। उनकी सरकार में संबल योजना लागू की गई थी, उस योजना के अंदर BPL कार्ड वाले और मजदूर कार्ड बनवा के भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने गरीब मजलूम और मध्यम वर्गीय परिवारों के पेट काट काट के जो बिजली के बिल भरते थे, आज उन्होंने उसका लाभ लिया। आज हमने उनका फर्जीवाड़ा उजागर करा, आज इंदिरा गृह ज्योति योजना में हमने 30 लाख उपभोक्ताओं को इसका लाभ दिया है। तो इसी बात को लेकर आज हमने सप्रमाण आपके सामने सारे दस्तावेज पेश किए हैं। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का बिजली का बिल भी पेश करा है, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता जी का बिजली का बिल भी पेश हमने आपके समक्ष करा है। मैंने माननीय कमलनाथ जी से भी निवेदन करा है, माननीय प्रियव्रत ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह से भी निवेदन करा है, और मैंने विकास नारवाल जी जो MD हैं, CMD हैं अपने मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के, उनसे मैंने निवेदन करा है कि दोनों AEJ जो कैलाश विजयवर्गीय जी के झोन का बिजली का बिल विभाग लगता है, उन दोनों AEJ को तत्काल निलंबित किया जाए। क्या कारण है कि विगत 6 माह से उनको इतनी छूट और इतना लाभ वो किस कारण से दे रहे हैं? हाँ, उसके बाद भी उनको 40 रुपये सब्सिडी भी उनको प्राप्त हुई है इंदिरा गृह ज्योति योजना की। उस बिल के अंदर साफ साफ उल्लेखित है कि उनको 40 रुपये सब्सिडी 0 रीडिंग के बिल के बाद भी कमलनाथ जी के सरकार द्वारा लागू की योजना का लाभ उन्होंने लिया है।